हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं जाने वाला हूँ काम करने के लिए। सो काम ये है कि मुझे घास काटना होगा, तो चलो चलते हैं। I'm walking alone, the streets are empty, the only thing I... आज आ चुका हूँ खेत में। खेत में मैं काम करने के लिए गांव में ऐसे ही होता है कि घास काटना होगा। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. ये सारे सारे के सारे धान के खेत, ये है मेरे चाचा जी के और ये है मेरा। तब यहाँ से लेके यहाँ से लेके ऊपर धान की खेती के लिए 107 वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है। देखो कितनी पानी हो रखी है। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight. जो आप धान के खेत में देख रहे हैं ये खरपतवार है। ये धान के खेत में ऐसे खरपतवार होता है पानी में। वह सूखे खेत में जब फसल लगाते हैं कोई साग बाग, तो उसमें खरपतवार किसे होता है मैं वो भी दिखाऊंगा आपको दूसरे वीडियो में। इस चैनल में आपको विलेज के बारे में, गाँव के बारे में, जितने खेती किसान कैसे खेती करते हैं, उनमें क्या क्या होता है, कैसे खेती किया जाता है, कब फसल को बोया जाता है, कब फसल को काटा जाता है, ऐसे ही जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। Walking alone, the streets are empty. ये देखिए मेरे क्या स्थानीय भाषा में इसको कहूँगा, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, खाली पड़ा रहता है। ये एक सब ये जो आप देख रहे हैं इसमें पकाया जाता है, ये बनाया जाता है, और वो है एक घर। गांव में इससे घर होता है छोटा छोटा, वहाँ भी देख सकते हैं। वो देखिए एक बाइक वाला जा रहा है। ये गांव का ही गांव का लाइफ ऐसे ही होता है। और क्या क्या होते हैं गांव में, इस बारे में जानने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना।
this is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. इसको हौसली का घास बोला जाता है। तो इसके ये जो पौधा है, इनके पत्ते हैं, इनके पत्ते से ये होता ये है कि आप कहीं कट गए तो आपको वहाँ दवाई नहीं मिलेगी, आपको गांव में नहीं मिलेगी। कट जाए वैसे तुरंत से लड़के इसमें थोड़ा सा निचोड़ लेना है, तो इसमें थोड़ा पानी पानी टाइप का अभी हो रहे हैं दिन के 4 PM यानी अभी शाम टाइम है। तो हम दोनों यहाँ मकई खेत में घूमने आए हैं। आज आप लोगों को मकई खेत दिखाऊंगा। सो चलो, और इसका नाम है, क्या नाम है तुम्हारा? चांदनी। तो इसका नाम चांदनी कुमारी है। इस मेरी सिस्टर है, छोटी बहन है मेरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये मकई, ये भुट्टा तैयार हो चुका है। अराउंड इसे लगभग 65 दिन का समय लगा है, 65 डेज लगे हैं इसको भुट्टा होने में। तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है अभी। और ये जो आप सारे देख रहे हैं, ये जो आप घना घना देख रहे हैं, सारे मकई के हैं। और एक ऐसा भी पौधा नहीं जिसमें मकई ना हो। सो हमें एक दो मकई ज़रूर से ज़रूर है। यहाँ फूल के पौधे लगा रखे हैं जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है। जब इसमें फूल आएगा तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। ये है पपीता का पेड़ जो भी बहुत छोटा है। और ये भी है फूल का पेड़ है, ये बहुत। ये देखिए सनफ्लावर, ये सूरजमुखी फूल है। और ये इसे स्थानीय गांव में इसे कच्चू का पत्ता बोलते हैं। सब्जी लेडीज फिंगर है, काफ़ी बड़ा है, मेरे से बड़ा है। देखते हैं ये आम का पौधा, छोटा छोटा पौधा है अभी, ये बहुत बड़ा होगा। तो चलो आपको और कुछ दिखाता हूँ। ये है इनका घर, ये मेरी बहन, ये छोटी बहन का मेरा घर है। कुछ ऐसा गाँव हैं, गाँवों में ऐसे ही घर होते हैं। तो चलो और कुछ दिखाता हूँ। पास में एक कुआँ है, वहाँ ले चलता हूँ। गाँव को एक और, ये मकई का खेत पूरा हरा भरा हो रहा है अभी, हरा भरा हो रखी है। ये देखिए आम का, गांव में ऐसे ही होता है। और हाल ही ये भिंडी के पौधे लगा रखे हैं और इसमें काफ़ी सारी भिंडी आ चुकी है। इसे कच्चा भी खाया जा सकता है। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to. वो सारी भिंडियाँ और इधर मकई लगा रखे हैं। तो कुएं में पहुंच चुका हूँ। ये कुआँ गांव में ज़्यादातर ये आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर यहाँ कुआँ देखने को मिलता है और तालाब, यहाँ तो वैसे होता है नहीं नलवल। लोग कुएँ में ज़्यादा नहाते हैं और जो है तालाब में। ये है, इसमें बहुत पानी हो रखी है। इसमें सर्दी के मौसम में बहुत नीचे पानी चला जाता है, मतलब यहाँ से ये 30 फुट का कुआँ है ना, और इसका चौड़ाई जो है, ये जो आप देख रहे हैं चौड़ाई, ये 20 फीट है और 30 फीट ये गहराई है इसका। इसका जो पानी है बहुत नीचे चला जाता है सर्दी के मौसम में। यह याक का पौधा काफ़ी लाभकारी पौधा है, इससे बहुत सारी औषधि। मेरे को तो बस इतना पता है कि इससे क्या
क्या होता है, जैसा अगर ये आँख में चली जाए ना तो आँख को अंधा कर सकती है, सो इसे संभल के रहना पड़ता है। इतने बड़े होने में लगेंगे तो इंतज़ार करना पड़ेगा। सो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ।